राम नाम जपना पढ़ाया काम अपना। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो का थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। दरअसल पुरानी योजनाओं को अपने नाम पर चला देना बीजेपी सरकार की फितरत रही है। इसका ताज़ा उदाहरण हाल में तब देखने को मिला जब पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के एक कॉलेज में उस विकास कार्य का शिलान्यास किया जिसका शुभारम्भ 3 साल पहले ही हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों हिमाचल के चंबा के भरमौर में आदर्श महाविद्यालय की बनने वाली उस इमारत का दोबारा शिलान्यास कर दिया जिसका शिलान्यास तकरीबन 3 साल पहले राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कर चुके थे। हद तो तब हो गई जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में इस मुद्दे के उठने पर सरकार की तरफ से अजीब तर्क देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले की सरकार ने ऐसे अनेक पत्थर लगवाए थे जिन पर काई जम गई थी, ऐसे में विपक्ष को इस पर बोलने का हक नहीं है। दरअसल चंबा जिले का भरमौर कस्बा हिमाचल प्रदेश के प्राचीन स्थलों में से एक है। यह करीब 7,000 फुट की ऊंचाई पर है और लगभग 400 साल तक भरमौर चंबा रियासत की राजधानी रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कश्मीर दौरे के दौरान 3 फरवरी को श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से ऑनलाइन भरमौर कस्बे के लिल्ह में हिमाचल के कथित पहले आदर्श कॉलेज भवन की नींव रखी। कॉलेज का यह भवन चंबा के भरमौर में लिल्ह कोठी में बनना है। पीएम ने इस दिन ऑनलाइन करीब 150 शिलान्यास और उद्घाटन किए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 3 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के जिस कॉलेज की इमारत का शिलान्यास किया उसका शिलान्यास 3 साल पहले 1 अगस्त 2016 को हिमाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कर चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस कॉलेज में इस समय ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज तक की कक्षाएं भी चल रही है। वीरभद्र सिंह ने इसके लिए तकरीबन 6 करोड़ की बजट का भी ऐलान किया था। ऐसे में क्या कहें, राम राम जपना पढ़ाया काम अपना। साथियों, ये तो चरितार्थ कर रही है मोदी सरकार और हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार।